गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त सुंदर आज हम बात करेंगे डीजल गाड़ी के अंदर जो शॉर्ट फॉर्म आती है उसके बारे में हम पूरा जानेंगे जैसे कि आप देखते हैं कि डी लिखा होता है मारुति की कार के ऊपर एक डी लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है उसके मतलब उसकी फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे कि कार के जो इंजनस होते हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा एस ओ एच आई और डी ओ एस एच आई इनके मतलब क्या होता है उसके बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डी डी एस आई जो कि आपको मारुती स्विफ्ट कार के अंदर मिलता है उसका मतलब होता है डायरेक्ट डीजल इंजेक्शन सिस्टम यानी कि डायरेक्ट जो हमारा इंजेक्टर जो इंजेक्ट करता है वो सीधा डायरेक्ट इंजेक्शन करता है उसे हम डी डी आई एस बोलते हैं आगे हम देखते हैं आपको देखने को मिलेगा एस ओ एच सी यानी कि इसका मतलब होता है सिंगल ओवर हीट केम साफ्ट ये क्या होता है क्या चीज़ होती है उसके बारे में हम बताते हैं सिंगल ओवर हीट केम साफ्ट जो कि जो एक हेड होता है उसके अंदर एक सिंगल केम लगी होती है जो सिंगल केम अपने जो एग्जस्ट इनलेट वाल होते हैं उन्हें ऑपरेट करती है एक ही केम होती है जो हेड के अंदर वो अपने जितने भी सिलेंडर्स होते हैं उनके इनलेट और एग्जॉस्ट वालों को वो ऑपरेट करती है और दूसरी होती है हमारी डी ओ एच सी यानी कि डबल ओवर हीट केम साफ्ट ये आपको जो मिलेगी जो हर एक इंजन के ऊपर दो केम मिलेगी जो हेड देखेंगे उसके ऊपर आपको दो केम मिलेगी ये दो केम क्या करती है एक एग्जॉस्ट वाल को चलाती है दूसरी इनलेट वाल के वालों को ऑपरेट करती है तो एक एग्जॉस्ट वाल को ऑपरेट करती है और एक इनलेट वाल को ऑपरेट करती है तो उसमें दो है एक हेड के अंदर दो के मिलती है एक में सिंगल के मिलती है जो कि आपको इंजन के अंदर देखें अगर आप डी 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 आई एस इंजन को देखेंगे तो उसमें आपको डबल ओवरहीट के साफ्ट मिलेगी जो कि आपके इनलेट एग्जॉस्ट एक वाल को चलाती है और एक एग्जॉस्ट वालों को चलाती है और अगर आपको सिंगल ओवर हीट चेक करनी है तो आप टाटा की इंडिका कार को देखेंगे उसके अंदर एक ही केम्स आप लगी होती है जो आपके इनलेट और एग्जस्ट वालों को ऑपरेट करती है तो इस चीज़ को इसलिए बताया जाता है जो मैं आपको आज तीन ये फंक्शन के बारे में बताया कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है और ये क्या काम करती है तो आई होप कि आपको ये वीडियो के अंदर समझ में आ गया डी क्या होता है एस क्या होता है डी क्या होता है और ये कौन से इंजनों के अंदर मिलती है और आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें डबल ओवर डबल ओवर हीट केम साफ्ट है या सिंगल ओवर हीट केम साफ्ट है तो आप उसकी पहचान कर सकते हैं और यह किस लिए लगाई जाती है कि डबल ओवर हीट केम साफ्ट इसलिए कि हम ज्यादा एयर को और ज्यादा एग्जस्ट गैस को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि जिसमें डबल ओवर हीट केम साफ्ट होती है उसमें क्या होता है एक सिलेंडर पे चार वाल होते हैं और जिसमें सिंगल होती है उसमें एक सिलेंडर पे दो वाल होते हैं एक इनलेट एक एग्जास्ट और जिसमें डबल होती है उसमें चार वाल होते हैं दो एग्जस्ट दो इनलेट वाल इसलिए इसमें डबल ओवर हीट केम लगाई जाती है तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ